बिग बॉस के घर से एलिमिनेशन पर बड़ी खबर सामने आ रही है इस हफ्ते चार लोग नॉमिनेटेड थे और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि इस बार किसका एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन हो चुका है जिनका एलिमिनेशन हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि रिंकू धवन है जी हाँ रिंकू का एलिमिनेशन हो चुका है घर से बेघर हो चुकी है फिलहाल कुछ टाइम पहले खबरें ये भी आई थी कि आयशा खान को सलमान खान ने काफी बैश किया जिसकी वजह से आयशा खान जो कि बेहोश हुई है बिग बॉस के घर में और बेहोश होकर के गिर जाती हैं जिसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको बाहर लेकर के जाया गया है डॉक्टर्स वगैरह आए थे अब यहाँ पर वो आएंगी वापस शो में या फिर नहीं आएंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि वो बाहर गई हैं तो मे भी उनका एविक्शन हो जाए वो वापस ना आए तो अभी तक के इसको लेकर के कन्फर्म खबर सामने नहीं आई है कि वो वापस आने वाली है या फिर वापस नहीं आने वाली है लेकिन रिंकू धवन का एलिमिनेशन हो चुका है हो सकता है कि आयशा को वापस लाया जाए क्योंकि अफकोर्स मेकर्स को मुनावर को नीचे गिराना है आपने देखा कि किस तरीके से एक कोर्टरूम ड्रामा रखा गया स्पेशली मुनावर फारूकी को गिराने के लिए थैंक यू